यद् देवम्, यदि ऐसा है तो कियत् सुकल्प विमानेषु ते देवा भवन्ति इति अदाह, उन वो कितने कल्प विमानों में वे देव होते हैं, इसलिए केते, केते के आगे तो चाहिए ही है, इच्छिन्ते के आगे नहीं चाहिए था। यदि ऐसी बात है तो कितने कल्प विमानों में वे देव होते हैं, इसलिए कहते हैं सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणतयोर आरणाच्युतियोर नवसुग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंतापराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च केषां सौधर्मादि शब्दानां कल्पाभिधानम्, कथम ईशाम, इन सौधर्मादिक शब्दों के साथ कल्प का अभिधान यानी नामकरण क्यों है, तो बोले चातुर्थिकेन, चातुर्थिकी नाना स्वभावतो वा कल्पस्याभिधानं भवति। ये कोई व्याकरण का नियम, चातुर्थिकीन व्याकरण में चार अर्थ में अण प्रत्यय होता है, उससे सौधर्म आदि शब्दों की कल्प संज्ञा है या स्वभाव से ही विकल्प कहलाते हैं, स्वभाव तो वा चातुर्थकेन अणा, स्वभाव तो वा कल्पस्य अभिधानं भवति, कल्प का नाम बन जाता है। अतः कथम इंद्र, कथम इंद्राभिधानम, अब इंद्रों का नाम कैसे है, बोले स्वभावतः सारचर्याद्वा, स्वभाव से ही है अथवा उन कल्पों के साहचर्य से संगति से। तत्कथम इति चेत, वो किस प्रकार है, यदि ऐसा पूछते हो तो उच्चते कहा जाता है सुधर्मा नाम सभा, सुधर्मा नाम की एक सभा होती है, सो उसमें नस्ति इति सौधर्म कल्प, वो जिस स्वर्ग में होती है कल्प में होती है उसका नाम सौधर्म है। तदस्मिन् नस्ति इति अण, अण प्रत्यय हो गया उसमें, अण हो जाने के कारण सु का सौ बन गया, तो वो वृद्धि कहलाती है, व्याकरण में एक वृद्धि की प्रक्रिया होती है, तो सौ बन गया सु का, तो सौ धर्म बन गया कल्प का नाम। तस्मिन् नस्ति इति अण, अण प्रत्यय हो गया। फिर तत्कल्प साहचर्यात, उस स्वर्ग की सहचरता के कारण इंद्रोपि सौधर्म है, इंद्र का नाम भी सौधर्म है। ईशानो नाम इंद्र स्वभावतः, ईशान भी इंद्र का स्वभाव से नाम है, ईशानस्य निवास कल्प है, निवास कल्प है, ईशान का जो निवास भूत कल्प है वो ईशान है, ईशान, यहाँ भी वृद्धि हो गई, ई का आई बन गया, तो स्वर्ग का नाम ईशान है और इंद्र का नाम ईशान है, याद रखने की बात है, ईशान इंद्र नहीं बोलना, ईशान इंद्र होगा। सौधर्म इंद्र तो ठीक है, सुधर्मा सभा है और वो सभा जिस स्वर्ग में है वो सौधर्म स्वर्ग है, और सौधर्म स्वर्ग का जो इंद्र है वो सौधर्म इंद्र है, ईशान इंद्र का नाम ही है स्वभाव से, और ईशान का निवास भूत जो कल्प है स्वर्ग है वो ईशान है। तस्य निवास है इत्यण, ये व्याकरण के सब सूत्र दे रहे हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने खुद व्याकरण लिखा ना, एक जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ लिखा, उसके सूत्र देते जा रहे हूँ। अण प्रत्यय हो गया, अण हो जाने के कारण ई से आई बन गया। तत्साहचर्याद इंद्रोपैशान, अच्छा फिर और एक बात कह रहे हैं कि इंद्र का नाम मूलतः तो ईशान है, लेकिन इस स्वर्ग में रहने के कारण, अब देखो इंद्र के कारण स्वर्ग का नाम है ईशान हो गया, और ईशान नाम होने के कारण स्वर्ग का इंद्र को भी ईशान कह सकते हो, वो गलत नहीं है, इंद्रोपैशान है। सनत कुमारो नाम इंद्र स्वभावत, सनत कुमार स्वभाव से ही इंद्र का नाम है। तस् निवास इत्यणी, देखो व्याकरण में बड़े विचित्र नियम है, वो अण प्रत्यय कर दिया तो सानत कुमार कल्प, सानत कुमार कल्प का नाम हो गया। तत्साहचर्य, तब सानत कुमार कल्प के साहचर्य के कारण इंद्रो भी सानत कुमार है, इंद्र का नाम भी सानत कुमार हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इंद्र को आप ईशान भी कह सकते हैं, ईशान भी कह सकते हैं, सनत कुमार भी कह सकते हैं, सानत कुमार भी कह सकते हैं। तो अगर किसी का गलत भी उच्चारण हो रहा है, ऐसे शब्द निकल पड़े मुंह से, तो वो सही निकल जाएंगे समझ लो। महेंद्रो नाम इंद्र स्वभावतः, महेंद्र इंद्र का स्वभाव से नाम है।
तस्य निवास कल्पो माहेंद्र, उसके निवास भूत कल्प को भी माहेंद्र कहते हैं। तस्य निवास अण, वही अण प्रत्यय करके माहेंद्र नाम हो गया, महेंद्र नाम था इंद्र का। तत्सहचर्यात, उसकी सहचरता के कारण इंद्रोपी माहेंद्र है, इंद्र भी माहेंद्र है। एवं उत्तरत्रापि युज्यम, इस प्रकार आगे वाले जो कल्प हैं उनमें भी जोड़ लेना। आगमापेक्षा व्यवस्था भवती इति उपर्युपरी, आगम की अपेक्षा से व्यवस्था होती है इसलिए उपर्युपरी इतनी ने, इस प्रकार से द्वयोर द्वयोर अभी संबंधो वेदितव्य, दो दो स्वर्गों का जोड़ा बनाकर उसका संबंध जान लेना चाहिए। प्रथम सौधर्म ईशान कल्प, पहले दो जो है सौधर्म ईशान कल्प है, तयोर उपरी उनके ऊपर सनत कुमार महेंद्र हो, तयोर उपरी ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर हो, ब्रह्म स्वर्ग को ब्रह्मलोक भी कहते हैं और ब्रह्मोत्तर उसके साथ वाला दूसरा छठा स्वर्ग। तयोर उपरी उसके ऊपर लांतव कापिष्ठ हो, तयोर उपरी शुक्र महाशुक्र हो, तयोर उपरी शतार सहस्रारो, तयोर उपरी आनत प्राणत हो, तयोर उपरी आरणाच्युत हो, अध उपरी च प्रत्येकम इंद्र संबंधो वेदितव्य, ऊपर नीचे सब में इंद्र का संबंध जान लेना चाहिए। प्रत्येकम प्रति, देखो ऐसा विग्रह निकलेगा, अध उपरी च प्रति एकम इंद्र संबंधो वेदितव्य, एक एक इंद्र का जान लेना चाहिए संबंध। मध्य तो प्रतिद्वयम, मध्य में एक एक जोड़े में दो दो इंद्र, दो दो में एक इंद्र का संबंध जानना चाहिए। जैसे बता रहे हैं सौधर्म ईशान सनत कुमार माहेंद्राणाम चतुर्णाम चत्वार इंद्र, सौधर्म ईशान सनत कुमार और माहेंद्र इन चार स्वर्गों के चार इंद्र हैं, ठीक है, सीधा हिसाब है। फिर ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तरी और एको ब्रह्मा नाम, ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर इन दो स्वर्गों का एक इंद्र है जिसका नाम ब्रह्मा है। लांतव कापिष्ठ और एको लांतवाख्य है, लांतव और कापिष्ठ स्वर्ग इन दो स्वर्गों का एक इंद्र है, लांतव नाम है उसका, आख्या माने लाम। शुक्र महाशुक्र और एक शुक्र संज्ञ है, शुक्र और महाशुक्र इन दो का एक इंद्र है, शुक्र उसका नाम है। शतार सहस्रार योर एक शतार नाम, फिर शतार और सहस्रार इन दो स्वर्गों का एक इंद्र है, शतार उसका नाम है। इस प्रकार बारह स्वर्गों का हो गया हिसाब। आनत प्राण तारणा च्युत च्युता नाम चतुर्णाम चत्वार, इन चार के चार इंद्र है अंतिम चार के। एवं कल्पवासी नाम द्वादश इंद्रा भवन्ति, इस प्रकार कल्पवासी देवों के बारह इंद्र होते हैं। जम्बूद्वीप में महामंदर हो, जम्बूद्वीप में महामंदर यानी सुमेरु पर्वत है, योजन सहस्राव का हो, वो जमीन के नीचे 1000 योजन है और 99 योजन सहस्र उच्छ्राय है, 99,000 योजन ऊंचा है ऊपर। तस्याधस्ताद अधोलोक, उसके नीचे से अधोलोक है। बाहल्येन चौड़ाई में, चौड़ाई की अपेक्षा तत्प्रमाणस, उसका जो प्रमाण है वो तिर्यक प्रसिद्ध प्रसृत तिर्यक लोक है, तिरछा फैला हुआ तिर्यक लोक है। तस्योपरिष्टात, उसके ऊपर की तरफ बाहल लेन तत्प्रमाणस, मेरु पर्वत की जितनी ऊंचाई है उतना मोटा और तिरछा फैला हुआ तिर्यक लोक है, ठीक है, तिर्यक लोक यानी मध्य लोक। तस्य उपरिष्टात, उसके ऊपर की तरफ ऊर्ध्वलोक है। मेरु चूलिका चत्वारिंशत योजन उच्छ्राया, मेरु की जो चूलिका है जहाँ पांडुक शिला वगैरह है ना, चारों दिशाओं में पांडुक शिला, पांडुकम्बल शिला और दो शिलाएं हैं जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है मेरु पर्वत के ऊपर, वो 40 योजन की चूलिका है। तस्या ऊपरी, उसके ऊपर केशांत और मात्रे व्यवस्थितम ऋजु विमान इंद्रकम सौधर्मस्य, एक बाल मात्र ऊपर सौधर्म स्वर्ग का ऋजु विमान संबंधी इंद्रक व्यवस्थित है। इंद्रक का मतलब जो मध्य का विमान है ना, इंद्रक विमान वो। ऐसे अधोलोक में इंद्रक बिल होते हैं। सर्वम अन्य लोकानुयोगात वेदितव्यम, और सारा जो अन्य वर्णन है इसका वो लोकानुयोग यानी चरण करणानुयोग से जान लेना चाहिए। नवसु ग्रेवय केशु इति, नव शब्द से पृथक वचन किमर्थम, नवसु ऐसा जो अलग वचन किया है, नव ग्रेवय केशु क्यों नहीं दिया, नवसु ग्रेवय केशु दिया तो यहाँ पर नव शब्द का पृथक वचन क्यों किया,
तो आचार्य कहते हैं अन्यान्य भी नव विमानानी, और भी नव विमान होते हैं, अनुदिश संज्ञकानी, उनका नाम अनुदिश है, संति इति ज्ञापनार्थम, वो होते हैं इसकी जानकारी देने के लिए नवसु अलग से दिया, तेन अनुदिशानाम ग्रहणम वेदितव्यम, उसके द्वारा नवसु इस शब्द के द्वारा अनुदिशों का ग्रहण भी जान लेना चाहिए। ऐशाम अधिकृतानाम वैमानिकानाम परस्पर तो विशेष प्रतिपत्यर्थमाह, इन प्रकरण को प्राप्त वैमानिक देवों का परस्पर में जो विशेष भेद है उसकी जानकारी देने के लिए कहते हैं, माने इन वैमानिक देवों में भी कोई अंतर है कि नहीं आपस में, तो है अंतर, उसकी जानकारी के लिए कह रहे हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावत विषय तो अधिकाह, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय अवधि, या लेश्या की लेश्याओं संबंधी विशुद्धि, फिर इंद्रियों का ज्ञान और अवधि का विषय, इंद्रियों का विषय और अवधि का विषय ऊपर ऊपर अधिक होता है। सुपात्तस्य आयुष उपात उदयात, अपने प्राप्त की हुई आयु के उदय से तस्मिन् भवे शरीरेण सह अवस्थानम स्थिति, उस भव में शरीर के साथ अवस्थित रहना स्थिति कहलाती है। शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, शाप देने की और अनुग्रह यानी उपकार करने की जो शक्ति होती है देवों के पास उसको प्रभाव कहते हैं, यानी ये शक्ति होती है देवों में, ऐसा नहीं कि देव हमारा क्या कर सकते हैं, शाप भी दे सकते हैं अनुग्रह भी कर सकते हैं, यानी बुरा भला करने की उनमें शक्ति होती है, अब करें ना करें ये एक अलग बात है, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता होती है, ये जैन शास्त्र के वचन है। अब जो सिर्फ पुण्य पाप का हटाग्रह करने वाले लोग हैं वो तो फिर वो सौ योजन वाला उनके लिए गणित पूरा हिसाब स्पष्ट है कि भाई तुम्हारे पुण्य पाप से अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर हॉस्पिटल वगैरह सब तोड़वाओ, खत्म करो सब, इतने क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हो, पुण्य से ठीक होना ही है, फिर दवाइयों की और अस्पतालों की और डॉक्टरों की तो पूरी रोजी रोटी खत्म, खेल खत्म हो जाता है, तो ये सब वो एकांतवादी कर्मवाद, एक कर्मवादी हो जाते हैं। अन्य मत में बहुत सारे भेद हैं ना, 363, तो ये कर्मों का भी एकांत रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर देवों में भी ये शक्ति है ऐसा स्पष्ट है, और ये ऊपर ऊपर के देवों में अधिक है ये और स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं सूत्र में। प्रभाव, प्रभाव का मतलब देवों का ये प्रभाव होता है। अब शाप का मतलब क्या है, बुरा करने की शक्ति, और अनुग्रह का मतलब भला करने की शक्ति देवताओं के पास होती है। वैमानिक देवों की चर्चा चल रही है। सुखम इंद्रियार्थ अनुभव, सुख का मतलब इंद्रियों के विषयों का भोग, उपभोग अनुभव, ये भी ऊपर ऊपर अधिक है। शरीर वसनाभरण आदि दीप्ति द्युति, शरीर और वसन यानी कपड़े और आभरण यानी और जो आभूषण आदि है इनकी जो दीप्ति यानी कांति है उसको द्युति कहते हैं, ऊपर ऊपर ज्यादा होती है। लेश्या उक्ता, लेश्या कही जा चुकी है, लेश्या या विशुद्धि, लेश्या विशुद्धि, लेश्याओं की विशुद्धि को लेश्या विशुद्धि कहते हैं, ऊपर ऊपर अधिक होती है। इंद्रियाणाम अवधेश्च विषय, इंद्रियों का और अवधि का जो विषय होता है इंद्रिय अवधि विषय है, ये भी ऊपर ऊपर अधिक होता है। तेभ्यस्तैर वाधिका इति तसि, ये तसिल प्रत्यय किया है विषयतः, ये तस का निर्देश है, तो उनसे इतनी सारी चीजों से इनके कारण वो ऊपर ऊपर वाले देव अधिक अधिक होते हैं, बढ़े हुए होते हैं नीचे वालों से, ऊपर में ये चीजें बढ़ती हैं और नीचे में ये कम होती हैं। ऊपर ही ऊपर ही प्रतिकल्प प्रतिप्रस्तारम च वैमानिका स्थित्यादि भी रधिका इत्यर्थ, ऊपर ऊपर हरेक कल्प में हरेक प्रस्तार में ये वैमानिक देव स्थिति आदि की अपेक्षा से अधिक होते हैं। जैसे नीचे में नरकों में दुख बढ़ता जाता है वैसे ये ऊपर में इतनी चीजें बढ़ती जाती है देवों में। यथा स्थित्यादि ऊपर ऊपर अधिका एवं एवं गत्यादिभिरपि इति अति प्रसंगे तन्निवृत्त्यर्थमाह, ये जिस प्रकार स्थिति आदि की अपेक्षा ऊपर ऊपर वैमानिक देवों में अधिकता होती है इसी प्रकार गति आदि भी ऊपर ज्यादा होती होगी, ऐसा अति प्रसंग यानी गलत निर्णय न हो जाए उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं।
गलत निर्णय हो जाए इसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं गति शरीर परिग्रह अभिमान तो ही ना, इन बातों में ऊपर ऊपर कम होते हैं। देशा देशांतर प्राप्ति हेतु गति, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करने में हेतु गति है। शरीरम वैक्रिय का मुक्तम, शरीर तो वैक्रिक होता ही है देवों का, कहा जा चुका है। लोभ कषाय उदय दयात, लोभ कषाय के उदय से विषयेषु संगह परिग्रह, विषयों में जो संग होता है अपना वो परिग्रह कहलाता है। मान कषाय उत्पन्न अहंकार अभिमान, मान कषाय से उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है मैं वो अभिमान है। एतैर इन चारों की अपेक्षा से गत्यादि गति आदि की अपेक्षा से उपर्युपरि ही ना, ऊपर ऊपर कम होते हैं। माने ऊपर ज़्यादा भ्रमण भी नहीं होता, शरीर भी बड़ा नहीं होता ज़्यादा, और लोभ कषाय का उदय भी तीव्र नहीं होता, मान कषाय से उत्पन्न होने वाला अहंकार भी घटता जाता है ऊपर ऊपर। भले असंयम ही हो, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते तो भी ऊपर ऊपर ये सब चीज़ें घट जाती हैं। देशांतर विषय क्रीड़ा रति प्रकर्षा भावाद उपर्युपरि गति ही ना, अलग अलग स्थानों में जाकर विषय संबंधी क्रीड़ा में रति यानी प्रीति जो होती है देवों में, उसकी प्रकर्षता का ऊपर ऊपर अभाव हो जाने के कारण ऊपर ऊपर गति हीन होती चली जाती है। शरीरम, शरीर जो होते हैं सौधर्म ईशान और देवानाम सप्तारत्नि प्रमाणम, सौधर्म ईशान स्वर्ग संबंधी देवों का शरीर सात अरत्नी बराबर होता है। अरत्नी का मतलब होता है ये छोटी उंगली, कोनी से लेकर छोटी उंगली तक की जो लंबाई है उसको एक अरत्नी बोलते हैं। ये बीच वाली उंगली तक के कोनी से एक हस्त प्रमाण बोलते हैं, ये अरत्नी है और ये रत्नी है। यहाँ तक के मुट्ठी बंद कर लो तो फिर यहाँ जो हड्डी तक के आएगा कोनी से लेकर वो रत्नी है। तो इनके अब बोलने में ऐसे ही आता है कि इतने हाथ प्रमाण है, सात हाथ प्रमाण, लेकिन सात अरत्नी प्रमाण है। सनत कुमार महेंद्र ही हो षड अरत्नी प्रमाण है, सनत कुमार महेंद्र देवों के वहाँ के देवों के शरीर छः अरत्नी के बराबर हैं। ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठेशु इन चार कल्पों में पंचारत्नी प्रमाणम, शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेशु चतुर अरत्नी प्रमाणम, आनत प्राणतयोर अर्ध चतुरार चतुर्थारत्नी प्रमाणम, आनत और प्राणत में साढ़े तीन अरत्नी प्रमाण है। आरणाच्युतो त्रिअरत्नी प्रमाणम, आरण और अच्युत इनमें तीन हाथ प्रमाण है। अधोग्रैवयकेषु निचले तीन ग्रैवयकेषु मतलब अधोग्रैवयक बोलते हैं नीचे जो तीन ग्रैवयक विमानों को, इनमें अर्ध तृतीय अरत्नी प्रमाणम ढाई अरत्नी प्रमाण है। अध्यर्ध्याने डेढ़ अनुत्तरेश्वर अनुत्तरेश्वरत्नी प्रमाण, अनुत्तरों में अरत्नी प्रमाण है एक हाथ से कुछ कम। परिग्रहश्च विमान परिच्छदादि रूपर्युपरि हीन, परिग्रह माने विमान और परिच्छद आदि जितना लंबा चौड़ा विस्तार है परिग्रहों का वो ऊपर ऊपर कम है। अभिमानश्चोपर्युपरि तनु कषायत्वाधीन, ऊपर ऊपर तनु कषाय होने के कारण छोटी कषाय होने के कारण कम है अभिमान। पुरस्तात् त्रिषु निकायेषु आगे के जो तीन निकाय हैं उनमें, पहले के जो तीन निकाय है ना उनमें देवानाम लेश्यावधि रुक्त, देवों की लेश्याओं संबंधी अवधि कह दी। इदानीम इस समय वैमानिकेषु लेश्यावधि प्रतिपत्त्यर्थमः, वैमानिक देवों में लेश्याओं की जो अवधि है सीमा वो बतलाने के लिए कहते हैं, उसकी जानकारी के लिए। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, पीता च पद्मा च शुक्ला च ताः पीत पद्म शुक्ला, पीत पद्म शुक्ला लेश्या येषां ते पीत पद्म शुक्ल लेश्याः, बहुव्री समास कर दिया। कथम ह्रस्वत्वम्, ह्रस्वपना कैसे आ गया, पीता के बदले पीत बन गया, पद्मा के बदले पद्म, शुक्ला के बदले शुक्ल, ये ह्रस्वपना औत्तरपदिक होने के कारण यह था। जैसे अभी ये व्याकरण के नियम बता रहे, द्रुतायाम तदपरकरणे मध्यम विलंबित
मध्यम विलंबितयो रूप संख्यानम इति अथवा पीतश्च पद्मश्च शुक्लश्च पीत पद्म शुक्लाः वर्णवंतोर्थाः पीला पद्म यानि गुलाबी और शुक्ल यानि सफेद ये ऐसे रंग वाले जो अर्था माने पदार्थ हैं उनको पीत पद्म शुक्ल कह दिया। तेषामिव लेश्या उनके समान लेश्या यानि रंग है जिनका ये शाम ते पीत पद्म शुक्ल लेश्या वे पीत पद्म शुक्ल लेश्या वाले कहलाए। तत्र उनमें कस्का लेश्या इति किसकी कौन सी लेश्या है तो कहते हैं अत्र उच्यते सौधर्म ऐशान यो पीतलेश्या सौधर्म ऐशान स्वर्ग में पीतलेश्या है सनत कुमार महेंद्र यो पीत पद्मलेश्या सनत कुमार और महेंद्र में पीत पद्मलेश्या है ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठेश पद्मलेश्या इनमें पद्मलेश्या है पाँच छः सात आठ स्वर्ग। फिर शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेशु पद्म शुक्लेश्या फिर उसके आगे के चार कल्पों में पद्म और शुक्लेश्या है आनतादिशु शुक्लेश्या आनतादिक में शुक्लेश्या है तत्राप्य अनुदिशानुत्तरेषु परम शुक्लेश्य उनके भी आगे उसमें भी अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्लेश्य है। सूत्रे नभिहितं कथं मिश्र ग्रहणम सूत्र में तो ऐसा कहा नहीं था कि पद्म और शुक्लेश्य एक साथ कहीं पर है तो आपने कैसे ग्रहण कर लिया तो बोले कि सहचर्यात लोकवत उस सहचरता के कारण लोकों के लोक के समान ग्रहण कर दिया तद्य था वो ऐसा है लोक में जैसा चलता है ना क्षत्रिणो गच्छन्ति इति अक्षत्रिषु क्षत्रि व्यवहार क्षत्रि लोग चले जा रहे हैं तो ऐसा बोलने पर अक्षत्रिषु क्षत्रि व्यवहार उनके साथ कुछ ऐसे भी नौकर चाकर जा रहे हैं जो क्षत्रि नहीं हैं लेकिन उनको भी बोलते हैं एक साथ चले जा रहे हैं इसलिए निकटता के कारण बोल देते हैं। अब राजा जा रहा है पूरे क्षत्रि सेना जा रही है साथ में जो सारथी लोग हैं या फिर चंवल ढुराने वाले जो है राजा के साथ वो लोग तो क्षत्रि नहीं है लेकिन तो भी कहने में ये आता है कि क्षत्रिय लोग जा रहे हैं। एवं यहाँ पर इसी प्रकार इसमें भी मिश्रयो रंजतर ग्रहणम भवति मिश्र में किसी एक का ग्रहण हो जाता है। अयम अर्थ सूत्र तक कथम गम्यते इति चेत अब फिर शंका करोगे तुम कि ये अर्थ सूत्र में से कैसे निकल सकता है तो बोलते उच्चते एवं अभिसंबंध क्रियते ऐसा अभिसंबंध किया जाता है द्वयो कल्प युगल हो दो कल्प युगलों में पीतलेश्या पीतलेश्या है। फिर सनत कुमार माहेंद्र हो पद्मलेश्या अविवक्षात सनत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में पद्मलेश्या को विवक्षा में नहीं रखा है वहां पर उसका निषेध नहीं कर रहे हैं लेकिन विवक्षित नहीं किया इसलिए वो गौण रूप से अनुक्त है कही नहीं गई है। ब्रह्मलोकादिशु त्रिशु कल्प युगलेशु ब्रह्मलोकादिक जो तीन कल्प युगल है उनमें पद्मलेश्या पद्मलेश्या कह दी। शुक्र महाशुक्रयो हो शुक्लेश्या अविवक्षात शुक्र और महाशुक्र जो तीसरा युगल था ना कल्पों का तो उसमें शुक्लेश्या भी थी लेकिन विवक्षित नहीं की थी इसलिए उसको छोड़ दिया। शेषेषु शतारादिषु शुक्लेश्या बाकी जो शतारादि हैं उनमें शुक्लेश्या बता दी। पद्मलेश्या या अविवक्षात पद्मलेश्या की विवक्षा न होने के कारण इति नास्ति दोष इसलिए दोष नहीं आता। आह कल्पोपन्ना इत्युक्तम तत्रेदं न ज्ञायते कि कल्पा इति अत्र उच्यते अब कहा था कल्पोपन्ना पहले कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च लेकिन ये नहीं समझ में आया कि कल्प कहाँ तक हैं कौन से हैं तो इसलिए कहते हैं तो सब आपने नाम कहाँ से कहाँ तक गिना दिए सर्वार्थ सिद्धि तक लेकिन इनमें कल्प कौन से हैं ये हमारी समझ में नहीं आ पा रहा है ठीक से तो बता रहे प्राग ग्रैवैयकेभ्य कल्पाः ग्रैवैयकों से पहले जितने नाम बताए थे 16 वो सब कल्प हैं। इदं न ज्ञायते इत आरभ्य कल्पा भवन्ति इति सौधर्मादि ग्रहणम अनुवर्तते इसमें ये नहीं जाना जा रहा है कि कहाँ से प्रारंभ करना है कल्पों को इसलिए सौधर्मादि का ग्रहण जो है अनुवर्तन से यहाँ पकड़ लेना। वो जो सूत्र था ना पहले सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र तो वहाँ से सौधर्म यहाँ लगा लेना तीन आयम अर्थो लभ्यते उससे फिर ये अर्थ प्राप्त होता है। सौधर्मादय प्राग ग्रैवैयकेभ्य कल्पायति सौधर्म को आदि ले लो और ग्रैवैयक से पहले तक कौन सा अच्युत वहाँ तक कल्प है। पारिशेष्यादितरे कल्पातीता इति और पारिशेष्य न्याय लगा लो तो बाकी जितने बचेंगे वो कल्पातीत हैं। लौकांतिका देवा वैमानिका संत को गृहियंते अब कोई शंका कर रहा है कि लौकांतिक देव जो है वो वैमानिक होते हुए भी किसमें ग्रहण करे जाएंगे तो कल्पोपन्नेषु कल्पातीत में या कल्पोपन्न में तो बोलते हैं कल्पोपन्न में लेंगे कथमिति चेत उच्यते
वो कैसे लेंगे? तो कहते हैं ब्रह्मलोकालय लोकांतिका। ब्रह्मलोक में है आलय अर्थात निवास जिनका, ऐसे लोकांतिक देव होते हैं। ब्रह्मलोक का अर्थ पांचवा स्वर्ग। एत्य तस्मिन् लीयन्ते इति आलय आवास, आकर के उसमें चले जाते हैं, अंदर लीन हो जाते हैं, उसको आलय कहते हैं, आवास। ब्रह्मलोक आलयो येषां ते ब्रह्मलोकालयः, ब्रह्मलोक है आलय जिनका, वे ब्रह्मलोकालय कहलाते हैं। लोकांतिका देवा वेदितव्या, लोकांतिक देव जानने चाहिए। यद देवम, यदि ऐसी बात है तो सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां देवानां लोकांतिकत्वं प्रसक्तम्। यदि ऐसी बात है तो सभी जो ब्रह्मलोक के आलय में रहने वाले हैं उन सभी देवों को लोकांतिकपना प्रसंग को प्राप्त होगा। तो अनवर्थ संज्ञा ग्रहणाद अदोष है, लोकांतिक शब्द की जो का जो अर्थ है वो सार्थक अर्थ होने के कारण ये दोष नहीं आने वाला। क्यों? ब्रह्मलोको लोक, ब्रह्मलोक को लोक कहा, तस्यांतो लोकांत, उसका जो अंत है उसको लोकांत कहा, तस्मिन् भवा लोकांतिका, उसमें होने वाले जो देव होते हैं वो लोकांतिक होते हैं। मतलब उनके जो लोकांतिक देवों के विमान हैं वो अलग से होते हैं ब्रह्मलोक के अंत भाग में, जहां बाकी इंद्र आदि के विमान है वहां नहीं होते, इनके अलग से होते हैं। जैसे सिविल लाइन्स होती है ना शहरों में, जहाँ कलेक्टर वगैरह जो लोग रहते हैं तो उनके मकान अलग से होते हैं, सबकी कॉलोनीज में नहीं रहते वो। उसी प्रकार ये लोकांतिक देवों के जो निवास होते हैं वो अलग से होते हैं। न सर्वेशाम ग्रहणम, इसलिए लोकांतिक देव जहाँ है वहाँ सबको नहीं ग्रहण कर लेना। तेषाम विमानानि ब्रह्मलोकस्य अंतेषु स्थितानि, उनके जो निवास है विमान है वो ब्रह्मलोक के अंत भागों में किनारों पर स्थित है। अथवा अथवा दूसरा अर्थ ले लो लोकांतिक का, जन्म जरा मरणाकीर्ण लोक संसार है, जन्म जरा और मरण से व्याप्त जो संसार लोक है उस वो लोक संसार कहलाया, तस्यांतो लोकांत, उसका जो संसार का अंत है वो लोकांत कहलाता है। लोकांते भवा, लोक के अंत में होने वाला जो होता है होने वाले लोकांतिक होते हैं। ये सर्वे परीत संसार, वे सारे के सारे परीत संसार यानी बहुत करीब है संसार का अंत जिनका, ऐसे। ततश्च्युता एक गर्भवा एकम गर्भवासम प्राप्य, वहाँ से छूट कर एक ही गर्भावास को प्राप्त करके परिनिर्वास्यन्ति इति, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, इसलिए इनको लोकांतिक कहते हैं। तो लोकांतिक शब्द के कितने अर्थ हो गए? ब्रह्मलोक को लोक कह लो और उसके अंतिम भाग किनारों पर जिनके आवास है इस वहां रहने वाले लोकांतिक, लोक और अंत, इन दो शब्दों को मिलाकर ठक प्रत्यय करने से लोकांतिक शब्द बन गया। फिर लोकांतिक का दूसरा अर्थ, लोक का अर्थ संसार भ्रमण है और उसका अंत जिनको प्राप्त हो गया है, माने अब एक जन्म लेकर मोक्ष चले जाएंगे, उनको भी लोकांतिक कह सकते हो। ऐसे दो अर्थ हो गए लोकांतिक के।